नमस्कार, मैं अजय। और मैं भी अजय। और इनने मेरा नाम अजय दिया हुआ है जी, इसे काम के अंदर। तो ये वास्तव में एक राजनीतिज्ञ है। और ये है कि आज की नहीं, दशकों से पहले जब पत्रकारिता इस शहर के अंदर एक बस गिनती के लोग करने का काम कर रहे थे, उनके अंदर सर आपने एक अहम भूमिका निभाई। सर बड़ी बारीकी से बसों के अंदर देखे आना, अखबार को लेके आना, सर ये काम किया आपने। सर आप तब से पत्रकारिता करते सर। सर आप इन 4-5 साल को सर अच्छी तरह वाकिफ है, जिले से वाकिफ है सर। तो सर अब की बार बताएं कि जिस प्रकार से भिवानी की सीट आ रही लोकसभा के अंदर, कांग्रेस 5 सीट इन प्रदेश के अंदर जीती सर, तो हम भिवानी की बात करते हैं सर। तो अब क्या समीकरण बन रहे सर चुनाव 24 के लिए विधानसभा की तैयारी क्या होनी चाहिए? अजय जी, पुराना भिवानी जिला की बात करते हैं हम, क्योंकि चाहे वो अलग अलग जिले बन गए भिवानी और चरखी दादरी, परंतु जहाँ तक लोगों का टेम्परामेंट है, लोगों का विचार है, वो एक जैसा है लगभग। तो इन 5 में से आप देखो, लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भिवानी और तोशाम में जीत हासिल की, और जबकि कांग्रेस ने दादरी, लुहारू, बाडड़ा, हाँ गवानीखेड़ा भी एक एक्स्ट्रा सीट आ जाती है, क्योंकि वो चाहे हिसार लोकसभा में है भिवानी वाह डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर भी कांग्रेस विजयी रही, चाहे मार्जिन पे विजयी रही। तो लोगों ने बड़ा टफ कंटेस्ट देखा यहाँ पर, एक बाडड़ा को छोड़ के, और भिवानी में भी बीजेपी अच्छे वोटों से जीती, बाकी सीटों पर अच्छा मुकाबला था। अब लोकसभा चला गया है और विधानसभा चुनाव आ रहा है। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग है। लोकसभा चुनाव मोदी जी को चुनने ना चुनने का था। मोदी जी बार बार ये कह रहे थे भी मोदी गारंटी, मोदी सरकार, मोदी चुनाव। राहुल बार बार संविधान की दुहाई दे रहे थे, भई अगर भाजपा की सरकार आ गई या मोदी की सरकार आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। तो इस चीज ने लोगों को अच्छा मुकाबले में डाला। अब आ गया विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे, जातीय समीकरण हावी रहेंगे, और जो हरियाणा सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो दिखाई देगी आपको, क्योंकि पहले तो 5 साल, 5 से 5 सीटें बटी है पूरे हरियाणा में। प्रदेश में तो हरियाणा में जब 5-5 सीट का मतलब है कि आप नेक टू नेक आके खड़े हो गए, और बाकी कई सीटों पे मुकाबले भी सर अच्छे हैं। क्या ये जातिवाद सर भिवानी कौन से के अंदर, जिले के अंदर है, ये 90-90 सीटों पर रहता सर हरियाणा देखो, में? जातिवाद तो हमारे पूरे देश में ही है एक तरह से, और हरियाणा में भी जात पात पे वोट डलता है, नो डाउट। और भी मुद्दे होते हैं, मतलब जात पात भी एक मुद्दा रहता है, कैंडिडेट किस प्रकार का आ रहा है, आपका किस जाति से आ सर रहा अपना है। तो भिवानी का चुनाव तो सर जाति के ऊपर है भी बहुत इतना हो जाता है कि उसके बाद में उनको स्थानीय मुद्दे हो, जनमानस मुद्दे हो सर वो दिखते नहीं है, बस ये है कि जातिवाद जातिवाद इसके अलावा कुछ नहीं। भिवानी विधानसभा में ये चीज ज्यादा है, हाँ है ना सर। भिवानी विधानसभा में ज्यादा है, परंतु अब की बार विधानसभा में भी आप देखना, जाति पाति के साथ साथ सरकार की, अब लोग देखो मीडिया के थ्रू काफी जागरूक तो हुए हैं, सरकार की कार्यकलाप की भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि अब तक तो लोग आंख बंद करके, कई लोग कह देते थे मैंने मोदी जी को वोट देना है, और कई कह देते थे आंख बंद के मैंने मोदी जी के खिलाफ डालना है। तो अब वो चीज नहीं है, अब आप ये नहीं कह सकते भी आंख बंद करके मैंने कांग्रेस को वोट देना है, क्योंकि अमित शाह जी स्पेशली कह गए हमें मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये चुनाव। तो इसलिए चुनाव आपको किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, सर जिस चुनाव तरह से टफ अब रहेगा। हम लोहारू की बात करें सर, लोहारू है, वित्त मंत्री भी वैसे हैं, पूर्व के कृषि मंत्री भी वैसे हैं, यानी एमएलए सब वहां के तो भगवान बने हुए सर, ये लोग कहते हैं सर। सर लोहारू की अगर बात करें सर, तो लोहारू के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस जीती सर लोकसभा के अंदर, तो सर इसका प्रभाव क्या विधानसभा के ऊपर पड़ेगा, कितना पड़ पाएगा, क्या जेपी दल जी के काम दिखेंगे लोगों को? क्योंकि हमने आए दिन अखबारों में पढ़ा सर, और लोगों के माध्यम सुन रहे कि हमारे लिए पता नहीं उन्होंने क्या बना दिया। तो सर क्या मानते हैं इसमें सर, कांग्रेस विधानसभा में भी रहेगी या जेपी दल ज्यादा चलेगा सर? देखो, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस वहां टिकट किसको देती है, अच्छा और दो कैंडिडेट वहां पर मुख्यतः हैं,
राजवीर पटिया और सोमवीर छोड़ा जो बंसी लाल के दामाद। पहले तो ये कि इनमें से टिकट किसको मिलेगी, उसके बाद दोनों में से जब एक को टिकट मिल जाएगी कि दूसरे का रवैया क्या रहेगा, समझिए ना। अब फिर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देगी आपको विधानसभा के, अब तक तो लोकसभा चुनाव, लोकसभा में स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट है तो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती। जैसे ही विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होगा आप देखना कि जो विरोध का स्वर है वो भी तेजी से उठेगा। अच्छा, परंतु इतना जरूर है विरोध का स्वर जेपी दल प्रति उठेगा या नहीं? नहीं, वो पर्टिकुलर व्यक्ति के विषय नहीं ज्यादा उठेगा। अच्छा, क्योंकि जेपी दलाल ने जहां तक खुद की बात है काम किया हल्के में, ऐसी बात नहीं है, परंतु ये जो स्वर उठेगा ज्यादा भाजपा के खिलाफ उठेगा। अच्छा, तो अब उसको काउंटर जेपी दलाल कैसे करते हैं, वो अपने जो पॉजिटिव काम है वो गिनवाएंगे, जो उनके विरोधी हैं चाहे वहाँ फटिया खड़े हो जाए चाहे वहाँ सोमवीर खड़े हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी की जो बेकायदगी है भाई, वो ये उस हल्के में खासतौर पर लोहारू का इलाका है, उन अग्निवीर को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि देखो लोहारू बाड़ा दादरी से काफी बच्चे सेना में जाते रहे हैं, इसके बाद बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाया जाएगा। तो मतलब कि ये तो स्पष्ट होगी चीजें चुनाव डिक्लेयर होने के बाद। से जेपी दलाल के लिए भी कोई आत्मविश्वास रहेगा या रास्ता साफ दिख रहा है? कह सकते हैं कि रास्ता साफ है या रुका हुआ है। नहीं, लोकसभा के आगे लगाए थे सर? नहीं, लोकसभा के मैंने आपको बताया ना मुद्दे और थे, इसके मुद्दे विधानसभा के मुद्दे और रहे। बाड़े में सर क्या समीकर मना कि सर बाड़े के अंदर सुनने जा रहा कि भाजपा नेता कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस नेता भाजपा में जा सकते हैं, ये समीकरण चल रहे सर? एक्चुअली बाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मुंह की खानी पड़ी, तो ऐसे में भाजपा बैकफुट पे है। और सबसे बड़ा फैक्टर है वहाँ जो जाट वोट है जो भाजपा से आज की तारीख में नाराज है वो 53% है, और उसके साथ फिर चमार वोट है, तो ये सारा वोट मिला के भाजपा के लिए बड़ा कठिन है वो वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। परंतु ना तो अब वहाँ भाजपा के पास कोई लंबा चौड़ा मजबूत कैंडिडेट भी नहीं है, वहाँ सुखविंदर मांडी हैं, परंतु मांडी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेके। कांग्रेस के पास भी बहुत बड़े स्टेचर का कैंडिडेट है, एक और भी तो गया था ना अंदर। हाँ, एक और गया था, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा सर अभी, जो हाल ही के तो भाजपा ना तो ज्यादा बाड़ा को लेकर उत्साहित है, ना उनके पास कोई लंबा जोड़ा कैंडिडेट, उम्मीद पातुवास, परंतु वहां ज्यादा क्योंकि बाड़ा पहले रहा ज्यादा कांग्रेस या फिर जेजेपी, वहाँ नैना चौटाला एमपी, आपकी वहाँ नैना चौटाला की पोजीशन वहाँ बहुत माड़ी है, और मेरे को नहीं लगता कि नैना तो लड़ेंगी ही नहीं वहाँ से, जेजेपी का भी कोई कैंडिडेट आएगा तो उसको लंबा चौड़ा कुछ नहीं मिलने वाला। तो शाम की बात करें सर, आज पूरे हरियाणा की अगर आंखों की बात करें या निगाहों की बात करें या समीकरण की बात करें तो शाम सीट को टिकी हुई सर, कि दिग्गज नेत्री छोड़ के भाजपा शामिल हुई है सर, छोटी बात तो है नहीं सर। सर तो शाम की सीट सर क्या बयां करना शुरू कर चुकी और क्या बयां कर सकती है आने वाले वक्त के अंदर? तो शाम जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, अब तक किरण चौधरी का वर्चस्व रहा है। 2004-05 में पहले सुरेंद्र सिंह जीते थे, और उससे पहले विकास पार्टी भी जो बंसीलाल की थी वो जीतती आई, उससे पहले वो कांग्रेस में थे तो तब भी जीतते रहे, तो जो बंसीलाल परिवार है और किरण चौधरी का वर्चस्व रहा है वहाँ का। परंतु अब एकदम से किरण चौधरी जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली, अब वहां से एक श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगी या किरण चौधरी चुनाव लड़ेंगी, ये नंबर एक तो इस बात पे संशय है। और अभी भी जो वहां पर कैंडिडेट पहले बने हुए थे जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा, शशि परमार, वो आज भी घूम रहे हैं वहां पर, उनको लगता है कि परिवार से है, चाहे वो अनिल शर्मा के रूम में, चाहे वो उनको लगता है अनिल शर्मा भी हैं, चाहे शशि परमार हैं या
अनीता मलिक है, उनको ये लगता है कि भी अभी हमें टिकट मिले। पर तो देखो मेरे को ये ज्यादा लगता है कि इतनी बातचीत तो भाजपा से हो गई होगी किरण चौधरी जी की, विश्वरुति या किरण में से एक लड़ेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए भी कई कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं वहां से। नंबर वन वहां से अनिरुद्ध चौधरी ने इंडिकेट कर ही दिया कि मैं तो शाम से लड़ना चाहता हूँ। वैसे तो उन्होंने बाड़ला से भी मन दिया अपना। कमल सिंह, क्योंकि कमल सिंह ने पहले हजका से चुनाव लड़ा था एक बार, तो तब भी उन्होंने 25-30 हजार वोट लिया था, तो कमल सिंह भी लगातार हल्के में बने रहे। परंतु किरण चौधरी के होते वो किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस की टिकट भी मिल जाएगी। फिर इसके बाद संजीत ख्यालिया वगैरह हैं, वो जो युद्धवीर ख्यालिया हैं उनका भतीजा है, वो भी वहाँ लगातार टिकट के लिए कोशिश में है वहाँ से। तो कांग्रेस अगर किसी जाट को देती है या कांग्रेस वहाँ किसी गैर जाट को लेके आती है, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि चुनाव किरण चौधरी या श्रुति के मुकाबले उनकी क्या स्थिति रहेगी, जाट आता है या गैर जाट आता है। हाँ इतना जरूर है कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी एक बड़ा नाम है इस इलाके में, परंतु जब इनके खिलाफ जो भी आएगा ऐसी बात नहीं है कि चुनाव नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप ठाटे के खिलाफ चुनाव लड़ते हो ना, इस बात हुआ बड़े लेवल से बताया आपने जाट के और कहीं ना कहीं दलित के, तो सर जो दलित वोट और जाट वोट तो सर तो सामने भी उसमें ये कि जो वो तुषाम में जो जाट वोट है ना, अब तक ज्यादातर बंसीलाल परिवार के साथ जुड़ा रहा है। बदले हालात में जाट मतदाता कितना किरण चौधरी के साथ जाता है ये चुनाव की चाल बताएगी आपको। अच्छा भाई वो उस परिवार के साथ ही रहता है या उसमें से टूटता है। सर 8 हजार जीत क्या बयां कर रही है? जो 8 हजार की जीत बयां कर रही है उसमें तो देखो ये है कि जो जाट वोट था वहां का वो 60% से 60% से ज़्यादा 70% तक कांग्रेस को मिला है, और जो वहाँ का गैर जाट वोट था खासतौर पर ब्राह्मण राजपूत अहीर ओबीसी इनमें ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी अब पड़ रही थी, और जो जाटों के गांव थे उनमें अधिकांश में कांग्रेस जीती थी। अब प्लेयर बदल गए, ग्राउंड तो वही खड़ा है, अब प्लेयर बदल चुके हैं, क्योंकि प्लेयर जब ग्राउंड अपने हिसाब से नहीं खिलाता, प्लेयर भी अपने हिसाब से खिलाता है, तो प्लेयर किस हिसाब से खेलेंगे, कौन से प्लेयर आएंगे, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। हाँ ये आप मान के चलो कि मुकाबला तो शाम में भी अगर हम लोकसभा के मार्जिन को देखते हैं तो अच्छा रहेगा मुकाबला। सवाल होगा बढ़िया वाला लास्ट में सर, थोड़ा भिवाणी का समय करना और समझाने काम करें, क्योंकि सर अब की बार की भिवाणी की जो स्थिति सर वो आप भी बाकी में सर मैं भी बाकी हूँ सर, क्यों यहाँ पे तो सर वो एक क्या बताऊँ कहावत बताता नहीं बात तो बस बताने जिद ही नहीं करना कि मैं भिवाणी के बारे में क्या बयां करूँ। तो अब सर भिवाणी के जो समय करना सर वो क्या बनेंगे सर? देखो भिवाणी का जहाँ तक प्रश्न है, घनश्याम जी 3 बार MLA बन चुके हैं, लोग उनसे कोई ज्यादा खुश नहीं है, मतलब कि अकेले आदमी का शरीफ होना उसके लिए मेरिट नहीं है। नो डाउट शरीफ आदमी है बट साथ में ही समस्याएं बहुत हैं शहर में, और विधानसभा के समीकरण भी बदलेंगे, हालात भी बदलेंगे अब की बार, तो ये नहीं है कि भी घनश्याम जी के लिए आसान चुनाव नहीं है। तो ऐसे में भाजपा नया कैंडिडेट भी ला सकती है। अच्छा जी, हो सकता है अभी पॉसिबल। देखो भाजपा लंबी दूरी लंबी सोच रखती है। तो घनश्याम जी की देखो इसमें कोई शक नहीं है, प्रबल दावेदारी है, परंतु नए नए एक्सपेरिमेंट करना भाजपा भी करती रहती है, तो और खास तौर पे कई जो सीटें उनकी मजबूत है उस पे वो खास तौर पे वो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वो किसको उतारेंगे उसके बाद, जैसे ब्राह्मण चेहरा लाते हैं तो मुकेश गौड़ हैं, राजपूत चेहरा लाते हैं तो भवानी प्रताप हैं,
ये डिपेंड करेगा कि कौन कैंडिडेट देखिए सर, भवानी प्रताप आपने जिक्र किया सर, लेकिन भवानी प्रताप को सर जो भिवानी ने वोट दिया था नगर परिषद के लिए सर, वो तो एक निर्दलीय रूप में दिया था सर, पता था सर को कि जाना तो भाजपा में है, ये एमएलए साहब के भतीजे हैं, जाना भाजपा में थे सर, लेकिन सर लोगों ने निर्दलीय मान के वोट दिया था सर, ये बात सत्य सर। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपको एक चीज और बताऊं, वो तो दिया था और यही चीज भाजपा में विधानसभा में भी हो सकती है। अच्छा जी, अगर भाजपा ने घनश्याम सराफ को टिकट नहीं दिया, जैसे घनश्याम के कहने पे नगर परिषद में टिकट नहीं दिया था, तो यहाँ और टिकट चला गया मान लो किसी ब्राह्मण जी, तो मैं आपको शर्तिया तौर पे कहता हूँ कि यहाँ से कोई ना कोई राजपूत जरूर मैदान में उतरेगा, निर्दलीय के रूप में, चाहे उसे समर्थन फिर घनश्याम जी का मिले, उतरेगा जरूर। सर राजपूत आने से सर क्या लगता है कि राजपूत आने से और घनश्याम संरक्षण मिलने के तो अब की बार जीत आसान होगी सर उस कैंडिडेट के लिए? देखो जीत किसी की भी आसान नहीं है, मुकाबला तो हर एक को करना पड़ेगा अब यहाँ पे, क्योंकि जो शहर के मुद्दे हैं, आप अकेले पहले जो वोटिंग होती थी जाट गैर जाट पे हो जाती थी, परंतु ऐसी बात नहीं है, हालात बदले हैं। अब मान लो कोई राजपूत खड़ा होता है तो ब्राह्मण समाज उसको वोट नहीं देना चाहेगा, ब्राह्मण खड़ा होगा तो राजपूत नहीं देना चाहेगा, पंजाबी भी अब की बार थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी में है, वैश्य समाज से को अगर कोई कैंडिडेट नहीं आता तो वो भी टूट सकता है वैश्य समाज भी, तो भाजपा के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है यहाँ सर। ये बात तो करनी पड़ेगी, जिस समाज की 24 से 25 हज़ार गैदरिंग हो, पंजाबी समाज की बात करें सर, लेकिन सर वो राजनीति के ना तो अपने अपनी भूमिका बना पाया इस शहर के अंदर, ना सर अपना कोई वजूद दिखा पाया राजनीति के अंदर, सर कोई ऐसा चेहरा नहीं बन पाया राजनीति के अंदर, सक्षम चेहरा जो कह सकते हैं हाँ ये हमारा चेहरा बन रहा है समाज, समाज में दिक्कत है। वो लोग वहाँ यहाँ जो पंजाबी समाज के नेता हैं वो अपनी उपस्थिति उतने दमदार तरीके से नहीं दर्ज करवा पाए जितने से वो करवा सकते थे। देखो ये हर एक समाज में होती है, परंतु पंजाबी समुदाय में ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ आधा दर्जन नेता है पंजाबी समुदाय के, और वो एक दूसरे को बांटने में लगे हुए हैं, या फिर वो है ना अपनी स्थिति पार्टी में उस तरह नहीं दर्ज करवा पाए, पार्टी हाईकमान को जिस भाजपा के साथ ज़्यादा हैं ये नहीं दिखा पाए या बता पाए कि भाई हम लोग भी हैं, हमारा वोट बैंक भी है, चलने वाले कम है और टांग खींचने वाले ज्यादा सर। और सेकेंडली देखो राजनीति में कई बार बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, जो पंजाबी समुदाय के नेता हैं वो बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे। अब नगर परिषद के चुनाव में राजपूत समुदाय ने लिया ना बोल्ड स्टेप, लिया सर, जीत दर्ज की, चुनाव जीत दर्ज की, पंजाबी समुदाय हिम्मत नहीं कर पाया, पंजाबी समुदाय के नेता जो हैं ताकते रहे, मीटिंगें करते रहे, मीटिंग करते रहे भाई हम इकट्ठे होएंगे एक, मतलब ये या तो इकट्ठे हो, ये जो समुदाय के नेता है ना ये मैं ज्यादा जिम्मेवार मानता हूँ पंजाबी समुदाय की टिकट की दावेदारी को पीछे धकेलने। सर सर एक पत्थर उठाया जाए और ऐसे फेंक दिया जाए, सर आपके तो पत्थर 10 जाके लोगों के लगे, वो लोग कौन पाऊंगे सर, वो नेता पाऊंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, अब ऐसी बात नहीं है, समाज में दमदार नेता थे पहले, आपसे पहले मेहता जी थे, नंदलाल चावला होते थे, यहाँ से पंजाबी जो समाज है अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराता था, हम अपने सोनलाल मक्कड़ जी तो एक बार टिकट भी लाए थे, काठपालिया जी ने भी चुनाव लड़ा यहाँ से, रवि कामरेड है बड़ा बोल्ड जुझारू नेता है रवि कामरेड, परंतु भाजपा में जो पंजाबी नेता हैं वो मतलब कि इस प्रकार से हैं जिस प्रकार से आपने ना पिंजरे में तोते बंद कर दिए, मतलब कि तोता उठता रहे तो ठीक है, पिंजरे में बंद तोते हो वो मतलब कि ना तो खुल के अपनी टिकट मांग पा रहे हैं, अब मतलब चुनाव का माहौल है वो लोग अभी भी मतलब कि खुल के ये नहीं कह पा रहे कि हमें टिकट दो, मतलब कोई मांगेगा नहीं तो देगा वो सर। ये सर एक अहम सवाल सर, सर इसको दुर्भाग्य कहें सर कि क्या कहें सर, राजनीति की सिर्फ एक
अपना तरफनापन कहें कि अपने स्वार्थ के लिए ना तो समाज को आगे बढ़ा पाए, क्योंकि दो योजना से आपके मुख्यमंत्री रहे सर, पंजाबी समाज के सर। सर आज की अगर बात करें स्थिति की, सर सैनिक समाज में इतनी उत्तेजना है अपने सैनिक समाज के मुख्यमंत्री के लिए, सर आप बयान नहीं कर सकते। अरे भाई पंजाबी समाज तो अपने लिए धर्मशाला ही नहीं बनवा पाया। अगर नगर परिषद से जमीन नहीं मिल रही थी तो यार तुम लोग इतने सक्षम हो, हर कोई आपस में 2100 रुपए, 5-5 हजार रुपए, लाख रुपए देने वाले हैं, तो मिल के पैसे इकट्ठे करके अपनी जमीन ले लो। परंतु हमारे समाज के जो भाजपा के अंदर नेता हैं, उन्होंने, मैंने आपको बताया ना, अपनी स्थिति बंद तोते वाली कर ली है। वो मतलब कि खुल के ना तो मांग पा रहे हैं ना लड़ पा रहे हैं। या तो लड़ लो, सही बात, लड़ाका अपनी इमेज बनाओ, दिखेगा भी। हाँ, और चलेगा मतलब भी। कि आप चीज भी चाहते हो और बोल भी नहीं पा रहे हो, तो मतलब कि इससे समाज के साथ धोखा है एक तरह से, तो ये अपने आप को इनको ठीक करना होगा। तो सर अब हमने बात की भिवाड़े की, लुआरो, तो शाम बाड़ला, हमने सर चारों की बात की सर, तो चारों में सर अब कांग्रेस को कितना हम अब देख सकते हैं सर, क्योंकि और सर सट्टा बाजार भी बोलने लग गया सर अभी से पहले, और भाजपा की सर स्थिति हम चारों हल्के के अंदर से क्या क्या स्थिति नाप सकते हैं। देखो आज की तारीख में तो जो लोकसभा की स्थिति है ना, वही की वही सेम रहेगी सर कांग्रेस अभी तक। चुनाव डिक्लेयर होएगा, कैंडिडेट्स आएंगे, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मान सकते बाड़ला लोहारू तो साम अभी से कांग्रेस मजबूत दिख रही। लोहारू में मैंने आपको बताया ना, डिपेंड करता है कि कैंडिडेट नेता पे और पार्टी की क्या स्थिति रहती है। ऐसी बात नहीं है, जेपी दलाल भी मजबूत कैंडिडेट हैं, उन्होंने काम किया उस हल्के के अंदर और उनका अपना एक वोट बैंक भी है, तो ऐसे नेता को अंडर में एस्टिमेट करना भी आसान काम नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ कांग्रेस किसको उतारती है और पूरे स्टेट में क्या माहौल बन के आता है। तो सर उन चारों सीटों पर सर अब उड्डा खुल के बैटिंग करेगा सर? हाँ, अब तो उनको ये तो खतरा ही नहीं रहा ना भाई। पहले तो जो एक ग्रुप किरण चौधरी जी का रहा, तो भूपेंद्र हुड्डा अब तो ठीक है भिवानी में 2-3 चक्कर उनके लगे, परंतु अब से पहले तो वो भिवानी की तरफ मुंह ही नहीं करते थे। अब दीपेंद्र ने जो लोहारू और जुई में प्रोग्राम करे जैसे, तो अब वो खुल के बैटिंग करेंगे इस इलाके के अंदर, और अब उनको बंदिशें खत्म हो गई उन लोगों के लिए। अब क्या आपके समाज का जो पिंजरे में तोता है, तोता सर बाहर आएगा? पिंजरे में तोता जब तक बाहर नहीं आएगा जब तक ये इनकी हालत खराब रहेगी, बाहर तो आना पड़ेगा इनको। और मेरे को लगता है कि ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस में जैसे देवराज मेहता ने स्टैंड लिया है, वो पिछले दिनों मतलब कि कांग्रेस किरण चौधरी जी के साथ थे, परंतु उन्होंने अपना कांग्रेस को नहीं छोड़ा, तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस उनको कहीं ना कहीं इस विचार में है कि किसी कोई पदाधिकारी बनाने की। तो अगर ऐसे लोग कांग्रेस के अंदर शहर में आगे आते हैं तो कांग्रेस को मजबूती तो मिलती है। तो बात की बड़ी स्पष्ट बातें थी, और जी अब आप कमेंट के माध्यम से बताने का काम किया गया है कि कहाँ पे चूक रही और कहाँ पे क्या सवाल पूछना था, क्योंकि ये शुरुआत है सब, क्योंकि सट्टा बाजार भी बोलने लग गया, अब तुम्हारे नेता ही बोलने लगे सर गली गली के अंदर, तो नेता बोलने लग गए, सट्टा बाजार बोलने लगे, तो क्या हमारे विशेषज्ञ नहीं बोल सकते? हम बोल सकते हैं। तो जी जब जब टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे हम आके हर एक विधानसभा के ऊपर बात करने का काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे उस टाइम की विरासत है जिनको हम बुला नहीं सकते, पत्रकारिता के अंदर इनका काम बोलता है। जे एन सिन्हा से अजय नायक, दीपांशु शर्मा, गया खास रिपोर्ट।